अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सब खैरियत से हैं। और आज मैंने सोचा क्यों ना जुम्मा के दिन का व्लॉग बनाया जाए। सो स्टे ट्यून्ड, आज हम जुम्मा के दिन का कंप्लीट व्लॉग बनाएंगे। और सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप सब कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताएं कि जुम्मा के दिन आप क्या बनाते हैं। यूजुअली हमारे शहर में तो तीन चीजें फेमस है जुम्मा के दिन, एक दाल पुलाव, बिरयानी और हलीम। सो आज हम बनाएंगे दाल पुलाव। एंड फर्स्ट स्टेप तो ऑलरेडी मेरे उतरने से पहले मम्मी ने कर लिया है। ये हमने रखा हुआ है गोश्त, इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है, नमक और हल्दी डाली हुई है। और इसको हम इसके साथ हम तूर की जो दाल होती है उसको हम बॉईल करने रखेंगे। ये हमने तूर की दाल को अच्छे से वॉश करके हमने कुकर में डाल दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चिली पेस्ट, और ये हमने अच्छा सा चिली का पेस्ट तैयार कर लिया है, इसे भी हम कुकर में डाल देंगे और इसे हम ऑलमोस्ट 15 टू 20 मिनट्स तक बॉईल होने देंगे। दाल पुलाव में जो पुलाव बनता है उसमें चने की दाल का यूज किया जाता है, तो ये चने की दाल हमने 1.25 किलो चावल में 1 कप चने की दाल ली है और उसे हम सॉल्ट डाल के बॉईल करने रखेंगे। ये हमने चने की दाल ली है और इसे हम बॉईल करने रखेंगे, मीडियम फ्लेम पे तक तक रख देंगे। अच्छे से एकदम सॉफ्ट बॉईल हो जाए तब तक हमें रखना है। थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे हम, बिस्मिल्लाह। और बाय द टाइम हमने ये जो राइस लिए उसे हम थोड़ा सा भिगाने रख देंगे, वही 15 टू 20 मिनट्स के लिए, जब तक की दाल हो नहीं जाती कंप्लीट। सो बाय द टाइम सब कुछ यहाँ पे बॉईल हो रहा है, दाल बॉईल हो रही है, यहाँ पे अंदर दाल और गोश्त बॉईल हो रहा है, तब तक हम इन ऑनियंस को हमने अच्छे से पील कर लिया है, वॉश कर लिया है। अब हम इसे अच्छे से स्लाइस करके इसे फ्राई करेंगे, और हर इंडियन डिश इसके बिना अधूरी है। इसको बिरस्ता कहते हैं, फ्राइड ऑनियंस को। तो अब हम इसे स्लाइस करके फिर हम इसे फ्राई करेंगे। थोड़ा सा ऑयल गरम होने दिया है, अभी हम चेक कर लेते हैं। अच्छे से गरम हो गया है ऑयल। अब हम ये सारे स्लाइस ऑनियंस को तेल में ऐड कर देंगे। जैसे ही ऑनियंस थोड़े से सेटल डाउन हो जाते हैं वैसे हम थोड़ा सा इसमें सॉल्ट ऐड कर देते हैं। सॉल्ट ऐड इसके लिए करते हैं ताकि ये जो ऑनियंस है वो एकदम सॉफ्ट ना हो जाए और हम फ्राई करें उसके बाद हमें क्रिस्पी मिले। सो इसके लिए हमने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दिया है। बाय द टाइम हम चेक करेंगे कि कुकर में बॉईल हुआ है कि नहीं। इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है जबकि इसमें मसाले भी नहीं डाले हुए। हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। और इस काम के लिए मैं मम्मी को ही बुलाती हूँ ताकि उनको समझ में आए। मेरे को समझ में आता नहीं है कि प्रॉपरली कुक हुआ है कि नहीं हुआ है। हो गया। सो हमारा प्रॉपरली कुक हो गया है। अब इसमें हम सारे मसाले ऐड करेंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं ये ऑनियंस पूरे गोल्डन ब्राउन हो गए। अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। अब हम एक बाउल लेंगे और उसमें सारे मसाले ऐड करेंगे जो हमें दाल में डालने हैं। तो हम थोड़ा सा सॉल्ट लेंगे। सॉल्ट एक ऐसी चीज है जो मैं कोशिश करके भी स्पून से नहीं डाल पाती, वो मुझे डायरेक्टली हाथ से ही थोड़ा कंफर्टेबल लगता है। इसमें हमने थोड़ा सा हल्दी डाली, थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर। कोरिएंडर पाउडर इसमें थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि उसका टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। और इसमें ऑलरेडी हमने चिली का पेस्ट ऐड किया हुआ है तो हम ज्यादा यूज नहीं करेंगे मिर्ची पाउडर, सिर्फ ये मैंने 2.5 चम्मच लिए। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि दाल में मसाले के लम्स ऐड ना हो, लम्स फॉर्म ना हो जाए। तो इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है मसाले में, और ये मसाला अब हम दाल में ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह। अब
यहाँ हम देख सकते हैं कि इसका सारा पानी बॉईल हो चुका है और अब हम इसे एक स्पून लेके चेक करेंगे ये हुई कि नहीं हुई। और ये इसे प्रेस करते हैं तो इसे इस तरह फट जाती है, सो ये हो गई है। इसका राइस का पानी रख लेंगे बॉईल होने के लिए। ये हमने एक बड़े से वेसल में राइस बॉईल होने के लिए पानी रख दिया है और ये चीज हम चने की दाल कंप्लीट हो जाती है उसके बाद कर सकते हैं। और यहाँ पे ये भी हमें ध्यान रखना है, देखिए साइड थोड़ा सा ज्यादा ब्राउन हो गया। तब तक हमने फ्राइड अनियंस भी निकाल लिए हैं और एक बाउल में हमने ये जो इसका ऑयल था वो भी निकाल लिया है। अब इसी वेसल में हम दाल का तड़का करेंगे। ये ऑयल हमने इसके लिए निकाला है क्योंकि इसका जो टेस्ट होगा, इसका जो फ्लेवर आएगा राइस में वो बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए हमने ये वाला ऑयल राइस में ऐड करने के लिए रखा हुआ है। और हम दूसरा ऑयल ले रहे हैं। ये ऑयल अच्छी तरीके से गर्म हो गया है। अब हम इसमें सबसे मेन एलिमेंट जो कोई भी तड़के का होता है वो होता है जीरा एंड गार्लिक, वो हम ऐड कर देंगे। अब हम राइस में सॉल्ट ऐड करेंगे। क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है इसके लिए मैं इतना सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, आप प्लीज़ अपनी क्वांटिटी देख के सॉल्ट ऐड कीजिएगा। जैसे ही ये गार्लिक स्लाइटली ब्राउन हो जाते हैं इसमें हम कस्तूरी मेथी ऐड करेंगे। और ये फ्राइड अनियंस ऐड कर देंगे। थोड़े से अनियंस हम गार्निश करने के लिए रखेंगे, बाकी हम इसमें ऐड कर देंगे। हमने इतने अनियंस रखे पुलाव पे डालने के लिए, गार्निश करने के लिए। अब इसे अच्छी तरह मिक्स करके अब हम इस तड़के को दाल में ऐड कर देंगे। तो अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब इसमें हमने वॉश किए थे राइस, अच्छे से इसे वॉश करके अब हम इस पानी में डाल देंगे इसे। अब हमने ऑलमोस्ट सारे स्टेप्स कंप्लीट कर लिए हैं, राइस बॉईल हो जाएंगे तो इसमें हम चने की दाल को ऐड कर देंगे। और अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट काम, ये सारा जो मेस्ड अप प्लेटफॉर्म है इसे हमें क्लीन करना है। सारे वेसल्स को हम क्लीन करके एक साइड कर लेंगे और क्लीनिंग सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है, सो लेट्स स्टार्ट। अब ये पुलाव रेडी हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे कुछ खड़े मसाले जो मैंने इसमें ऑलरेडी निकाल के रखे। इसमें लाल मिर्ची, बे लीव्स, इलायची, क्लव्स, पेपर, सिनेमन स्टिक्स अब हम इसे ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और जो ऑयल हमने साइड पे किया हुआ था वो भी हम डालेंगे इसमें, थोड़ा सा थोड़ा गार्निशिंग के लिए रखेंगे और थोड़ा सा ऐड कर देंगे। अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स करके, काफी टेस्टी दिख रहा है और ये क्या हमारे जुम्मा की स्पेशलिटी है। अब हम इसमें एक नीचे एक तवा रख देते हैं ताकि जो भी हम राइस हो वो स्टिक ना हो तवे पे, जो नीचे तपेगी पे स्टिक ना हो। बिल्कुल ऊपर रख दिया। अब इसे हम ढक देंगे और बाय द टाइम दाल अच्छे से बॉईल हो गई है और इसका लास्ट इंग्रेडिएंट जो है गरम मसाला ये डाल के इसे मिक्स कर देंगे। और जब तक ये इसके फ्लेवर्स पकड़ लेंगे तब तक हम नमाज पढ़ लेंगे, बिकॉज आज जुम्मा है और पहले हम ये सब हो जाएगा उससे पहले हम नमाज पढ़ लेंगे और फिर हम लंच के लिए बैठ जाएंगे। अब ये मम्मी की स्पेशल डिश है सेवइयों का जर्दा, ये अक्सर हम दाल पुलाव के साथ बनाते हैं। हमने इसमें प्योर घी लिया है और घी में हम ये सेवई पहले ऐड कर देंगे सारी करेंगे।
अब ये फर्स्ट टाइम मैं बना रही हूँ एक्चुअली, सो मुझे थोड़ा मम्मी से पूछ पूछ के बनाना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हमने ऑरेंज कलर पानी में इसको मिक्स करके हमने इसमें कलर का पानी ऐड कर दिया है, अच्छा सा सेव सेक लिया हमने, उसके बाद हमने ये डाला है। अब इसमें हमने शक्कर डाल दिए, अब डालते हम इसे सौते करते जाएंगे। इसे गैस हमें मीडियम टू हाई फ्लेम में शिफ्ट करना है क्योंकि सेव तुरंत हो जाती है। अब शक्कर के बाद हम डालेंगे इसमें इलायची पाउडर और कुछ ड्राई फ्रूट्स, इसमें आप देख सकते हैं काजू बादाम किशमिश है, थोड़ा सा कोकोनट पाउडर है, खजूर है, ड्राई खजूर जो होती है ना खारेक जिसे कहते हैं गुजराती में, और पिस्ता है। तो ये हम पूरा सॉटे करेंगे। ये सेव क्या थोड़ी सी पतली होती है तो उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करते तो वो तुरंत पक जाता है। अब हमने इसका फ्लेम थोड़ा सा लो कर दिया है और इसको कांस्टेंट सॉटे करना पड़ता है। ये ऐसा नहीं है कि हम गैस पे रख के फिर साइड पर कहीं जाके बैठ जाए और वो पकता रहे, इसे हमें कॉन्स्टेंट सॉटे करना पड़ता है। तो आज का हमारा जो डिशेस है वो रेडी हो गई है। हमने दाल पुलाव बनाया है और ये सेवैयों का जर्दा बनाया है। अब ये दाल और पुलाव और सेवैयों का जर्दा कम्प्लीटली रेडी हो गया है। बस गार्निशिंग के लिए थोड़े से कोरिएंडर लीव्स बाकी थे जो मम्मी डाल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब रेडी हो गए डाइनिंग टेबल पे। अल्हम्दुलिल्लाह आज का जुम्मा का व्लॉग कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।